Yeah, good morning students. Today in our series of introduction to trigonometry, आपको पता होगा कि 10th class CBSE के pattern ने change आया है, तो हम अपनी series multiple choice questions में आपको update करेंगे कि कैसे multiple choice questions attempt करेंगे। उससे पहले हम basic formulas करेंगे जो इस chapter में जरूर पड़ेगी। वो formulas हैं sin square theta plus cos square theta. Theta is the angle is equal to 1. और इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा। फॉर्मूलास रिमेंबर करने बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा पर उसमें कैलकुलेशन में हमें टाइम लगेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टाइम एक बहुत बड़ा इश्यू है, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये secant square theta होगा 1 plus tan square theta, और tan square theta बराबर होगा secant square theta minus 1। कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने से पहले आपको अगर क्वेश्चन में कुछ टर्म्स दे रखे हो तो आपको पता हो कि इस क्वेश्चन को हमने ब्रेक कैसे करना है। अगर आपने एक बार लिखना शुरू कर दिया एग्जाम में, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। तो इसीलिए हमें हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको और भी करना पड़ेगा कि क्या ये क्वेश्चन वैसे हो रहा है जैसे मैं चाहता हूं। अगर नहीं हो रहा तो हमें इसका कुछ अलग मेथड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आज हम 3-4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नीचे दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो बोल रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड वाई इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। सो ही इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को प्लस करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी एक्स प्लस वाई आ जाएगी और इस तरफ मेरा क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर मेरे पास क्या बचेगा, जो ऊपर लिखा फॉर्मूला। तो मैं यही आपको इससे बताना चाहता हूं कि कोई क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, बस थोड़ी सी उसकी ट्विस्टिंग हो जाती है। अब दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ओके। दिस इज 2 प्लस 1, सो आंसर इज व्हाट 3, ठीक है। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम जहां पे वो बोलता है, ओके। सेकंड क्वेश्चन जहां पे वो बोलता है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। सपोज कीजिए आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। वो आपसे चाहता है कि आप उसको निकाल के दो 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपसे चाहता है। पर उससे पहले आपको एक चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये कहता है कि अगर कौन से 3 ऐसे नंबर हैं जिन 2 छोटे नंबर्स को स्क्वायर करके बड़ा नंबर आता है, तो उसके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट 8th क्लास में आता है 3, 4 एंड 5, ओके 6, 8 एंड 10, ओके। सो देन वी हैव मोर इन द नंबर लाइक 12, 16 एंड 20, और इसमें 8 भी आता है 8, 15 एंड 17। तो आपको आइडिया हो अप्रोक्सीमेटली इन नंबर्स का कि अगर एक नंबर आता है तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को रिमेंबर करने का एक बेसिक कोई सोल्यूशन नहीं है, पर आप जितना रिविजन करेंगे उससे आपको पता लगेगा। अब आपने इसमें वैल्यू डाल दिया, सो कॉस थीटा इज व्हाट 4/5 एंड साइन थीटा इज व्हाट 3/5, तो आपका एलसीएम आ गया 5।
यहाँ पे है 12 प्लस 3 15, तो आंसर आ गया। आप कभी इसको कह ही नहीं सकते कि इसका आंसर कभी 3 आएगा, क्योंकि आप पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, उसके साथ क्वेश्चन से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो एक मिनट तो आपका वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता है तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज है, तो बेस उसका 4 होगा, तो वहीं से हम आंसर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ जी, एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको, जिसमें आपको और एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस्ड क्वेश्चन है, जहां वो बोलता है इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 देन एड साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी इक्वल टू व्हाट, व्हाट इज दिस, ये आप बताइए इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 होने का मतलब है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी, जब ये कॉस कितना होता है बेटा 90 डिग्री, तो जब कॉस कॉस कट जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो जब आप इसको डालेंगे अल्फा आ गया 90 माइनस बीटा। ठीक है, और ये वैसे भी प्रूव्ड होता है, क्योंकि सम अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक अगर एंगल 90 है तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो वो प्रूव हो गया। अब इस अल्फा की वैल्यू हम यहां डालें जो हमसे निकलवाना चाहता है, तो हम लिख देंगे साइन 90 माइनस बीटा माइनस बीटा, सो दिस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 बीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो वो आपके पास आ गया कॉस 2 बीटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इट इज शियर एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलास। क्वेश्चन एक बार ही करेंगे नहीं होगा, पर एक पॉइंट बहुत जरूरी है, कोशिश कीजिए कि स्टॉप वॉच अपने सामने रखिए और हर क्वेश्चन को 1 मिनट में करने की कोशिश कीजिए। कीप वॉचिंग अवर चैनल फॉर मोर लर्निंग, विश यू हैप्पी लर्निंग, बाय।